की टाइम है अड्डी 7 बज गए वीरे 7 बजे असी पहुँच गए हूँ मेहंदीपुर क्योंकि यार जयपुर शहर च एंटर कर गए जिदे करके बहुत ज़्यादा ट्रैफिक से लेट हो गया घंटा डेढ़ घंटा साडा खराब हो गया तो हूँ असी उत्थे पहुँच गए मंदिर के कोल जाने हूँ मत्था टेकते हैं जे आरती हूँ खत्म हो गई तो फिर सवेरे आरती करा 6 बजे टाइम है सवेरे आरती का तो सवेरे हूँ आरती देखा उदू बाद फिर थोड़ा दिखावे कि नज़ारे मंदिर के इस करके हूँ असी गड्डी लाई है पार्किंग च पार्किंग ला के हम निकलते हैं अगर बाजार बाजार तो बाद फिर जावे सीधा रोटी खाने तो हूँ थोनों बहर लैके चलते हैं तो थोड़ा दिखाने मेहंदीपुर का नज़ारा मेरे बहुत क्राउड है इतने भी बहुत भीड़ है मतलब बहुत रश है यहाँ पे मैं इतने बताता हूँ आपको मेहंदीपुर बहुत ज़्यादा रश है आप देख सकते हो बाजारों में फुल भीड़ है। अब मैं आपको मंदिर के दर्शन करवाता हूँ भैया ये देखो ये है वो मंदिर आरती का टाइम निकल गया है और हम लेट हो गए हैं लेकिन फिर भी हम माथा टेकने जाएंगे अंदर मैं कोशिश करूँगा अंदर रिकॉर्ड करने की फिर दिखाता हूँ आपको। भाई देखो यहाँ से काम स्टार्ट हो जाता है यहाँ लोग दुख के मारे बैठे हैं जो बाहर बैठे हैं किसी पर क्या है भाई किसी कपड़े पर क्या है खड़ जा टपाए माज होने होर मरी जाता बिच घर ही अंदर ओरी हौली 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 खड़ जा मैंने ब्लॉग बना लें खड़ी इतने खड़ी खड़ जा इत है कैद समझा दे रिपन भजा एकदम हौली चल ये है प्रवेश द्वार मंदिर का और बाहर देखो लोग बैठे हैं जिनको ये देखो जिनको जो दिक्कतें हैं वो है आगे अब यहाँ से जा सकते हो भाई मंदिर में वीडियो बनाने नहीं दे रहे हैं लेकिन जहाँ जहाँ मैं ट्राई कर रहा हूँ वहाँ वहाँ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ गार्ड आएंगे वहाँ मैं वीडियो बंद कर दूँगा और जहाँ जहाँ मेरे को लग रहा है मैं वहाँ वहाँ बना लूँगा। वहाँ से थोड़ा बाहर निकलोगे तो एक और मंदिर बना हुआ है जय श्री राम भगवान राम जी का बहुत अच्छा मंदिर बना हुआ है। जय श्री राम 2 मिनट जय श्री राम।
क्यों की हो गया करिए भाई देखा आपने, मतलब यार कोई ना मजाक वाली चीज़ नहीं है यहाँ पे। यहाँ दुख वाला बंदा ही आता है, जिसको कोई तकलीफ होती है या कोई दिक्कत होती है ना, वही बंदा आता है वहाँ पे। यार आप देख सकते हो कैसे, मतलब यहाँ जो औरतें हैं या जो आदमी हैं जिनके ऊपर बुरी साए, मतलब जिनके ऊपर बुरी साए वगैरह आ जाती हैं, जो मंडराती हैं या कोई ऊपर चीज़ आ जाती है, ऐसे मतलब बालाजी के दरबार पे आके उन सबको मतलब ऐसे निकाला जाता है ना, मूर्ति वगैरह के सामने या प्रेत, मतलब जो प्रेत राज है जो उनकी आरती होती है। तो मजाक वाला बंदा नहीं यार आए। मैंने मतलब क्लिप्स बनाए तो हैं कुछ, लेकिन बस इसलिए है कि लोगों को दिखाने के लिए है। यहाँ पे आ थोड़ी सी गए यार, नहीं यहाँ पे आके ना बस मन एक उदास जा हो जाता है कि लोगों का दुख देखा नहीं जाता। बस बालाजी महाराज सबके दुख संकट दूर करे, हम तो भगवान से अरदास ही कर सकते हैं। आपने देखा ही होगा एक्चुअली यार, हम ना लेट हो गए, हम लेट हो गए तो इसलिए हमें फिर अंदर आरती देखने को नहीं मिली। और रात को 7 बजे के बाद ऊपर जाने देते नहीं, जहाँ पे मतलब औरतों को जो जो जिन पे प्रेतात्मा होते हैं ना, उनको बांध के रखा जाता है जंजीरों से, उनको रस्सियों से जंजीरों से बांध के रखा जाता है। तो हम लेट हो गए थे इसलिए हमारे को ना ऊपर जाने नहीं दिया उन्होंने, क्योंकि रात 7 बजे के बाद जैसे ही मतलब सूर्य छुपता है ना, उसके बाद ऊपर जाने देते नहीं। तो हमने जितना मतलब मैंने ट्राई किया उतनी तो मैंने बना ली, और जितनी भी बनाई वो मैंने फिर आपको मैंने ब्लॉग में शूट किया, वो मैं दिखाऊँगा आपको कि ये चीज़ होती है। और एक और चीज़, जिन कभी जिस किसी को भी ऐसी दिक्कत हो ना यार, या मतलब ठीक ना हो किसी के जान पहचान में भी, चाहे डॉक्टर से इलाज करवाए, उसको बीमारी ना जाए कि पता चलता है कि हाँ शायद कि ऐसी कोई दिक्कत है किसी या कोई, तो भाई बस चुपचाप यहाँ पे आ जाए यार, बस मैं दीपक बालाजी। सारा हल हो जाता है इंसान का, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहती, यहाँ पे सारे दुख संकट दूर होते हैं। बस इससे बड़ी हिंदुस्तान में इससे बड़ी जगह कोई नहीं है। बस मैं तो सबसे यही करूं कि सब घर पे सब अच्छे रहे, स्वस्थ रहे, किसी को किसी प्रकार की कोई बीमारी ना हो। बट भगवान ना करे यहाँ पे गरीब रखा देते हैं, और अपने बजरंग शरीर से अर्थ दुआ करें हाथ जोड़ के कि जो भी बुरी बलाएँ हैं यहाँ पे सब छोड़ के जाए। वो प्रेत राय सरकार है जो वो सब की सुनते हैं। तो ठीक है भाई, जो मैंने बताना था बता दिया। अब थोड़ा हम जाएंगे बाजार और थोड़ा खाना वाना खाने जाएंगे। सुबह से दोपहर के बाद खाया नहीं हमने, तो बस उसके बाद यही है कि यहाँ पे आए बस ध्रुव माथा टेक के जाए, उसके बाद बाकी का ब्लॉग शूट करेंगे। तो अब यहाँ से बाहर निकलते हुए एक आपको मंदिर दिखाते हैं बालाजी का। क्यों हो गया अरे तो और गड़पू का कल्पा के देखो, दर्शन कर लो भाई, बालाजी के मंगलवार है आज। एक मंदिर हो रहा है, एक और दिखाते हैं आपको। भाई मारी सोना, सोना भाई मारी सोना सोना देख नहीं रहा भाई, देखो हनुमान जी की विशाल मूर्ति, हनुमान जी का विशाल रूप, क्या बात है यार। पिपट इतने तो बंद ही हो, फोटो बहुत तकड़ी कोड़ा घैंट खिंचो इतने। गुफा बनी हुई बंद कर टाइम हो गया, खास गुफा बनी हुई है। अंदर बहुत घैंट जगह है। तो भाइयों, पहले हम यहाँ पे रात को स्टे करने वाले थे, हमने सोचा था कि हम यहाँ पे रात को रुकेंगे, लेकिन अब हमारा प्रोग्राम कैंसिल हो गया, अब हम स्टे नहीं करेंगे। अब हम सोच रहे हैं कि रात को ही निकले यहाँ से, क्योंकि कुछ घर पे प्रॉब्लम हो गई है।
जो मेरी मम्मी है बड़ी, मेरी ताई जी, उनकी तबीयत ठीक नहीं है और घर से फ़ोन आया था तो भाई हमें जाना पड़ेगा, एमरजेंसी है, वरना हम यहाँ पे रात रुक के सुबह आरती देख के 6 बजे की फिर आराम से निकलते और शायद जयपुर भी 1-2 घंटे घूम के हम आराम से फिर निकलते, लेकिन अब हमें जल्दी जल्दी में जाना पड़ेगा। तो बस अब निकलते हैं यहाँ से थोड़ी देर में, खाना वाना खाते हैं पहले किसी रेस्टोरेंट पे, खाना खा के फिर यहाँ से निकलेंगे और रास्ते में आपको लोग दिखाते जाएंगे भाई, शूट करते जाएंगे, मस्ती करते जाएंगे। तो ठीक है भाइयों, मिलते हैं थोड़ी देर में। भाई रास्ते च आते हुए रस्ते च रुके एक ढाबे से, तो हम चोबर रोटी रुटी खा के असी चाह चु पीवेंगे। दविंदर देव चाह पी मसाले वाली चाह, मसाले वाली भी वो है इधर दिखा तू चाह देखो। बारह भाई कि बनाई थी इन वाली च पाज किसी हो गया काम हूं यार, चाय ला दे यार, एक चाय और ला दे यार। हेलो ਇਹਨੇ ਵੀਪਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਚਾਹ ਗਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸਾਲੇ ਦੇ, ਆਹ ਦਵਿੰਦਰ ਮਸਾਲੇ ਲਈ ਚਾਹ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਮੂਡ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਦੇਖੋ ਇਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਆਹ ਨਕਲ ਦੇ ਸਾਲਾ ਉਰੇ ਆ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾ ਚਾਹ ਮਸਾਲੇ ਵਾਲੀ, ਆਹ ਪਿੱਛੋਂ ਲਿਆ ਹੁਣ ਹੋਰ ਚਾਹ ਆਪਣੀ ਮਹਿੰਦੀਪੁਰ ਤੋਂ ਵਾਪਿਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਚੈਕਿੰਗ ਚੁਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ, ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੂਰੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਦੇਖੋ ਮਹਿੰਦੀਪੁਰ। संदीप दी प्योर गल लगदा सी ना पुलिस वाला है ना, तैनू बिल्ली दी प्योर गल लगदी ना, बिल्ली वरगा चक सिर्फ रास्ते भाई रात दे बज के 2 ते ਦਵਿੰਦਰ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ। ਬਾਈ ਸਰਦੀ ਦੇਖੋ ਠੰਡ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਧੁੰਦ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ੀਰੋ ਵਿਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ 10-20 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪੀਡ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਹੀ ਗੱਡੀ, ਪੰਜਵਾਂ ਗੇਅਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਆਈ ਲਵ ਰੋਹਤਕ ਕਰਕੇ ਢਾਬਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਰੁਕਿਆ ਹੁਣ ਹੁਣ ਚਾਹ ਚੁ ਪੀਵਾਂਗੇ। NH10 ਹੈ ਢਾਬੇ ਦਾ ਨਾਮ, NH10 ਵਾਟਿਕਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ 10-15 ਮਿੰਟ ਰੁਕਾਂਗੇ ਚਾਹ ਚੁ ਪੀਵਾਂਗੇ। ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ ਬਾਹਰ, ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕੋਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਡੀ, ਇੰਨੀ ਧੁੰਦ ਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਪੀਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਫੜ ਰਹੀ, ਬਸ ਠੰਡ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਚਾਹ ਚੁ ਪੀਵਾਂਗੇ ਆਪਦਾ, ਚਾਹ ਚੁ ਪੀ ਕੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਿਰਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਸਿਰਾ ਨੋਨ ਸਟੋਪ ਗੱਡੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਹ ਦੇਖੋ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਸਟੋਪ 'ਤੇ ਰੋਕਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸ਼ੂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਵਲੋਗ, ਪਰ ਹੁਣ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਅਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ, ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਢਾਬਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ। ਬਾਈ ਰਸਤੇ 'ਚ ਫੋਗ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਹੈ,
ਕਿੰਨੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਡਾ ਪੱਕਾ ਐ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਲੈਂਦਾ ਵਧੀਆ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੁਛ ਨੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਗ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਆ ਜੋ ਵੀ ਪੀਪਲ ਆ ਸਾਡਾ ਪੀਪਲ ਸਾਡਾ ਡਰਾਈਵਰ ਉਹ ਲੈਟ ਚਲਾਤੀ ਨਾ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਚਿੱਟੀ ਲੈਣਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਬਾਈ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹਨਾ ਹਾਂਜੀ ਚੋਬਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਕਿੰਨੇ 7 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੋਨ ਸਟੋਪ ਗੱਡੀ ਖਿੱਚੀ ਨਿਕਲ ਖਿਚਵਾਈ ਨੋਨ ਸਟੋਪ ਗੱਡੀ ਐਨਕ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਆਡੀਸ਼ਨ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੇ ਵਿਪਨ ਨੇ ਗੱਡੀ ਖਿੱਚੀ ਅਤੇ ਹੁਣ 7 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਜੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਉੱਪਰੀ ਉੱਪਰੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਗੰਗਾ ਜਲ ਛਿੜਕਵਾ ਕੇ ਅਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗੇ ਦਵਿੰਦਰ ਦੇ ਘਰੇ ਕਿਲੋ ਸਮਾਨ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਕੱਢ ਕੇ ਹੁਣ ਅਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਜਾਂਦਾ ਦਵਿੰਦਰ ਦੇ ਘਰੇ ਅਤੇ ਵਲੌਗ ਜਲਦੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸ਼ੂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਸ਼ੂਟ ਕਰਾਂਗੇ